आज मैं झाड़ू मारने वाला काम बिल्कुल नहीं करने वाला। आज मैं टीवी देखूंगा। काम तो करवा कर रहूंगा, चाहे मार मार के करवाना पड़े। टीवी का रिमोट देता है या नहीं? नहीं 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 नहीं। ओए, गुस्सा मत दिला। कोई शक? गुस्सा अभी गया तो क्या कर लेगा? साइज में छोटा हूँ तो कमजोर समझ के रखा है मुझे। माँ, अरे मैडम, ओह, ये क्या हाल बना रखा है घर का? जजेस कभी भी आ सकते हैं? जजेस तो कोर्ट जाएंगे, हमारे घर क्यों आएंगे मैडम? अरे हैप्पी फैमिली को अवार्ड मिलेगा। चलो देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी घर साफ करो। ओहो, हैप्पी फैमिली को अवार्ड मिलेगा तो हम क्यों अपना घर साफ करें? हैप्पी की फैमिली अपना घर खुद साफ करेगी। ओहो हनी, देखो हैप्पी फैमिली मतलब सबसे खुशहाल फैमिली। मोहल्ले की जो फैमिली सबसे हैप्पी होगी उसे अवार्ड मिलेगा। सोसाइटी ने अरेंज किया है ये फंक्शन। दिखते नहीं होंगे लेकिन मोहल्ले में सबसे हैप्पी फैमिली तो हम ही हैं। कोई शक? हाँ, हम हैप्पी फैमिली हैं, पर हो सकता है कि हम से भी हैप्पी कोई हो। तो इसका फैसला कैसे होगा? जजेस कभी भी आ सकते हैं, चेक करेंगे, इसलिए दिन भर नो मारपीट नो शैतानी, अच्छे बच्चों की तरह प्यार से रहना। ओके ओके मैडम। मेरे बच्चे, अरे वाह झूला। अरे हाँ, बच्चों को झूला रहा हूँ, हम हैप्पी फैमिली लग रहे हैं ना? हाँ। कभी भी जजेस आएंगे और देखेंगे कि हमारी फैमिली कितनी हैप्पी है। पक पक पक। ओपट बनी जोरदार। क्या है, क्यों गला फाड़ रहा है? वो देखो जज आ रहे हैं, हमको हैप्पी फैमिली लगना है। ओपट आ, मैं तुझे जूस पिलाता हूँ। अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है? जज साहब इधर ही आ रहे हैं। क्या कर रहा है? उससे सांस नहीं ली जा रही है। एक मिनट की तो बात है, सांस रोक ले। देखो हैप्पी फैमिली अवार्ड मिल गया। पर आप ये पैक करके क्यों लाए हो? काटकर मैडम के नाम का कुरियर है, अवार्ड नहीं है। आप जज नहीं हो? नहीं, मैं जज दिखता हूँ। नाक कान में जूस घुसा दिया, कोई शक? अभी नहीं बचेगा तू, मुझ पर जूस डाला। छोड़ उसको, मैं धो देता हूँ। किचन में गिरा दिया, छोड़ूंगा नहीं। छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, पूरे गार्डन में कीचड़ कर देगा ये। पाइप छीनो। हनी पाइप छोड़। मैं नहीं छोड़ूंगा, पाइप को भी और जोरदार को भी। डॉक्टर हारू, इधर आओ। गार्डन को मैदान समझ रखा है, जंग का ऐलान कर रखा है, एक दूसरे को पीटने का प्लान कर रखा है, एक भी पॉइंट नहीं दूंगा। पॉइंट? हाँ, मैं हैप्पी फैमिली अवार्ड का एक जज हूँ। क्या? इधर आओ, चॉकलेट खाओ। नहीं, चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड इनको बादाम खिलाते हैं, बादाम। मेरे हस्बैंड बॉक्सर हैं, बॉक्सर। पक पक पक। वाह, हैप्पी फैमिली।
तुम लोगों की वजह से पॉइंट्स नहीं मिले, मुझ पर जूस डाला, कीचड़ में गिराया, छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हें ऐसे हक करूंगा कि कीचड़ तुमको भी लग जाएगा। मत कर यार, फिर कोई जज आ गया तो पॉइंट्स कट जाएंगे। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि बंद घर में क्या हो रहा है। हनी छोड़, जज देख रहे हैं। बेवकूफ समझता है दरवाजा बंद है। अरे गधे, खिड़की पे देख। मस्ती कर रहे थे, मस्ती। मस्ती को एक नजर में पहचान लूं, मैं हूँ वो हस्ती, वैद्य भालू के नाम से जानती है मुझे पूरी बस्ती। मुझे बेवकूफ बनाने की तुम्हारी ये कोशिश है बड़ी सस्ती। अरे सुनिए तो। अरे वाह, बैडमिंटन खेला जा रहा है। किटी को साइकिल पर बैठा कर ढकेलता हूँ, मैं रोज किटी के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ। ठोको ताली। जरूर ठोकूंगा, आप लोगों की हैप्पी फैमिली देखकर मैं भी हैप्पी हो गया। वेरी गुड। तेरी वजह से फिर हमारे पॉइंट्स कट गए। सिर्फ मेरी वजह से? जाने दे बनी, वैसे ही हनी का मूड खराब है। हनी तू भी नाराज मत हो यार। हनी तू जैसा भी है हमारा प्यारा दोस्त है, कोई शक? जैसा भी का क्या मतलब है? हमेशा गधा गधा कहते हो, हमेशा मुझे परेशान करते हो, हर बात पे दोष मुझे ही देते हो। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। हनी हनी सुन तो, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ हनी? मुझे इस घर में ही नहीं रहना है, सभी मुझे परेशान करते हैं, दुखी हो गया हूँ मैं। ईश, अच्छा तुम दुखी हो? ओ हनी, क्या हुआ? ये दुखी है, सभी से परेशान करते हैं। नहीं, कोई परेशान नहीं करता। इसने खुद कहा कि ये दुखी है। आप हमारे फैमिली मैटर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैं हैप्पी फैमिली अवार्ड का जज हूँ और आप दुखी फैमिली हैं। शाबाश किटी, शाबाश। बहुत मजा आ रहा है सर। अरे वाह, हैप्पी फैमिली। शाबाश, करो, बड़े होकर मेरे जैसे ताकतवर बनोगे। हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली। इस गधे ने सारे जजेस के सामने गड़बड़ की, कोई शक? हनी, अब हमें ये अवार्ड नहीं मिलेगा। मुझे क्यों कह रहे हो? जैसे कि सब कुछ गड़बड़ मैंने ही किया है और तुम लोगों ने कुछ किया ही नहीं। हनी सही कह रहा है, गलती तो हम सबकी है। हाँ, वही तो कह रहा था मैं। जो भी हुआ हम सबकी वजह से हुआ है, सिर्फ हनी का दोष नहीं है। जोरदार सही कह रहा है। सॉरी हनी, हमने तुझे बुरा भला कहा। इट्स ओके छोटे भाई, मगर अब हमें ये अवार्ड नहीं मिलेगा। जो हो गया सो हो गया, अवार्ड नहीं मिलेगा तो क्या हुआ? हम सभी साथ में खुश रहते हैं तो हम हैप्पी फैमिली ही है ना। चलो ना हो और रेडी हो जाओ, शाम को हैप्पी फैमिली अवार्ड फंक्शन में भी जाना है। हैप्पी फैमिली अवार्ड में सबका स्वागत है, मोहल्ले के सारे फैमिली यहाँ मौजूद है। अब जजेस बताएंगे कि आज का हैप्पी फैमिली अवार्ड किसने जीता है। इधर आओ, आप सभी को यहाँ देखकर मेरे मन का मयूर खुशी के पेड़ पर चढ़कर नाच रहा है, दिल में बातों का बवंडर उठ रहा है, जी करता है आपसे ढेर सारी बातें करूँ। बातें बाद में कर लेना, पहले ये बताओ कि हैप्पी फैमिली अवार्ड्स किसको मिल रहा है। इससे पहले कि खुल जाए जूते का फीता, आप बताओ हैप्पी फैमिली का अवार्ड किसने जीता। ठोको ताली। ओके, तो हमने सभी जजेस के पॉइंट्स को मिलाया, उसको दिमाग के डब्बे में डालकर हिलाया और जो नतीजा सामने आया वो ये है कि हैप्पी फैमिली का अवार्ड मिस काटकर की फैमिली को जाता है।
अपने हनी बनी जीत गए। पर ये कैसे हो सकता है? तुम हमारे फैसले पर शक कर रहे हो? नहीं सर, पर जब भी आप में से कोई जज आया, हम कुछ गड़बड़ ही कर रहे थे। हाँ, पर उस गड़बड़ के अंदर छुपी बात हमने हड़बड़ सड़बड़ में नोटिस कर ली। तुम लड़ते जरूर हो, पर आपस में प्यार भी बहुत करते हो। बेस्ट फैमिली वही होती है जो अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दे। तुम सभी को लगा कि हनी की वजह से तुम्हें पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पर तुमने हनी को गले लगाकर उसको दुखी नहीं होने दिया। विग बनाने के लिए लोग बाल देते हैं, खाने के लिए थाल देते हैं, हाथ पोछने के लिए रुमाल देते हैं, और हैप्पी फैमिली के लिए तुम लोगों की मिसाल देते हैं। रेत के मकान एक बारिश में ढहते हैं, सुख दुख में जो साथ दे उसे हैप्पी फैमिली कहते हैं। ठोको ताली। हाँ, हमारे मोहल्ले की सबसे हैप्पी फैमिली तो ये ही है। हम सभी तो हैप्पी होने का दिखावा कर रहे थे, ये अवार्ड इन्हें सही मिला है। इधर आओ और अपना अवार्ड लेकर जाओ। आओ बच्चों, तुम सारी ये अवार्ड डिजर्व करते हो, चलो। थैंक यू फॉर द अवार्ड डॉक्टर भालू। ये बच्चों मुझे भूल गए। इधर आओ, अच्छा रहने दो। इधर आकर भी क्या कर लोगे? जब दुकान में बैठकर घड़ी नहीं सुधार सकते तो बाहर आकर कौन सा ओलंपिक का मेडल जीत लोगे? डॉक्टर भालू, ये बाबा आदम के जमाने की घड़ी है, नहीं सुधरेगी पाना घुमा के। अपनी जुबान लेके घोड़े को चुप्पी की लगाम दो। कुछ बोलने से पहले सोचा करो। भावनाओं के तालाब में अपने शब्दों के पत्थर फेंक कर दुख की लहरें उठा रहे हो। मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ पाना घुमा के। चुप रहो, कोर्ट में गवाही नहीं दे रहे हो। ये तुमसे ठीक नहीं हो रही है तो कोई और ठीक कर देगा। डॉक्टर भालू, क्या हो गया? ये देखो, ये मेरे परदादा की खानदानी घड़ी है। ये घड़ी तो बहुत बड़ी है, आपके परदादा पहनते कैसे थे? इधर आओ, बिल्ली की शक्ल वाले गधे, ये दीवार घड़ी है। हाँ, पर प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे परदादा की घड़ी नहीं सुधार रहा है, इस पर मेरा एक कर्ज उधार रहा है। भावनाओं का बवंडर नहीं देख रहा है, घड़ी कब बनी थी बस ये देख रहा है। अरे हिंदी में समझाओ ना, हुआ क्या है? कोई शक, तुम सब गधे हो क्या? समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर भालू को घड़ी सुधरवानी है और ये घड़ी वाला घड़ी सुधार नहीं रहा है। क्या बात, तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे हो। भैया घड़ी सुधार क्यों नहीं देते? अरे 100 साल पुरानी घड़ी है, पार्ट्स भी नहीं मिल रहे पाना घुमा के। तो घड़ी ली क्यों थी? फटी जेब सी क्यों थी? मेरे अरमानों को हवा दी क्यों थी? डॉक्टर भालू छोड़िए ना, किसी और घड़ी वाले से सुधरवा लीजिए। मैं नहीं सुधार पाया तो कोई नहीं सुधार पाएगा। 3 पीढ़ी से घड़ी बाज है हम पाना घुमा के। मैं सुधार दूंगा। इधर आओ, क्या कहा? मैंने सुना नहीं, कभी मैंने स्वेटर बुना नहीं, किसी को कभी चुना नहीं। मैंने कहा है सुधार दूंगा। मजाक कर रहा है। आप तो जानते हैं ना, इसके दिमाग में केमिकल लोचा है। घड़ी सुधारने के लिए दिमाग की नहीं टैलेंट की जरूरत होती है। शादी के लिए टेंट की जरूरत होती है, पुताई के लिए पेंट की जरूरत होती है। कंफ्यूज कर दिया, घड़ी सुधरवानी है, टेंट लगवाना है या घर पेंट करवाना है? घड़ी ही सुधरवानी है। आज तुम मेरे परदादा की घड़ी सुधारोगे। घंटे भर में घड़ी सुधार के वापस देता हूँ। चलो मेरे साथ। अगर गलती से इसने फिर रायता फैला दिया तो हमें समेटने जाना चाहिए। हम क्यों इसके पीछे पीछे जा रहे हैं? वो डॉक्टर भालू के घर जाएगा, घड़ी नहीं सुधरी तो सॉरी बोलेगा, और सुधरेगी तो वेलकम बोल के घर लौट आएगा। कोई शक, वो हनी है, उसके साथ कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे यहाँ कपड़ा फंसा हुआ है। कपड़ा क्यों निकाला? नट गिर गया था इसलिए कपड़ा बांधा था। दूसरा नट है तो? कौन सा? ये वाला।
इधर आओ, इधर आओ। अरे साइड कार उधर कैसे आएगी, आप इधर आओ। देखा, बोला नहीं कि गड़बड़ शुरू। अरे रुको, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो, रुको। मेरी खानदानी घड़ी। उसके पीछे चलो। हनी घड़ी दे। नहीं, घड़ी सुधारने के बाद दूंगा। इस घड़ी के चक्कर में मैं दो घड़ी का मेहमान हो जाता, कोई शक। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरी खानदानी घड़ी है, इम्पोर्टेंट बड़ी है, इधर आओ। सुल्तान घड़ी ले। हनी घड़ी देना। नहीं दूंगा। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता। अनी, अनी, अनी। मेरी घड़ी। अरे मिल गई। इधर आओ, ये जो रेत पर खड़ी थी मेरे परदादा की घड़ी थी, इसे कुछ होता तो मैं बहुत रोता। कुछ नहीं हुआ, घड़ी ठीक है। ठीक नहीं है, बंद है। ठीक तो मैं करूँगा। हनी रहने दे। नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक तो तब करोगे जब ये घर पहुँचेगी। घर तो हम पहुँचा देंगे, कोई शक। पर ठीक होगी कि नहीं, मुझे शक है। कोई और ठीक नहीं कर पा रहा है, मुझे ट्राई करने दो ना। भले ही दिमाग का दही कर रहा है, पर बात तो सही कर रहा है, इसे एक चांस देते हैं। घड़ी तुम लोग लेकर आओ, इसे मैं लेकर आता हूँ। घड़ी को जमीन पर रख दो। इधर आओ, ये मेरे परदादा की घड़ी है, उनको कैसा लगेगा कि घड़ी जमीन पर पड़ी है। ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी है, मैं घड़ी को दीवार पर लगाता हूँ, तुम वहाँ सुधारो। अरे वहाँ मैं लटक के सुधारूंगा क्या, नीचे सुधारता हूँ फिर दीवार पर लटका दूंगा। ये भी सही है, शुरू करो। हनी जो भी करना जरा संभाल के करना, कोई शक। ये सही है, अब तू बोल नहीं पाएगा कि मुझ पर कोई शक है। ये घड़ी अब दो घड़ी की मेहमान है, कोई शक। इसके मुंह में वापस स्प्रिंग लगाओ, तू काम पर ध्यान दे। तू टेंशन मत ले, मुझे लग रहा है हनी कर लेगा। इधर आओ। ये मैं बोलता हूँ। अरे माथे पर लगी चक्री चाहिए, इधर आओ। ये क्या किया? मैंने किया। तुम सभी मेरा मुंह क्या देख रहे हो, पार्ट्स ढूंढ कर दो। अब वहीं बैठे रहना, डिस्टर्ब मत करना। अरे मैं हूँ मैं, पोपट कोशल। दूर बैठना, अभी घड़ी में फिट हो जाता तो कोयल की कू कू की जगह तेरा कोई शक सुनाई देता।
हो गया। ये अभी भी नहीं चल रही है। चाबी तो भरने दे। ओ तेरी, ये चाबी तो नीचे थी, ऊपर कैसे पहुंच गई? ये कोयल ऊपर वहाँ पहुँच गई। ये तो नीचे से गेट खोलकर निकलती है। कोई शक? अनी, परेशानी में सर खुजाते हैं, दांत नहीं। अरे दांत में कुछ फंस गया है, वो निकाल रहा हूँ। एक टूथपिक चाहिए। पहले घड़ी का सोचो हनी। घड़ी ठीक हो गई। चलने तो लगी, पर तूने घड़ी की हालत म्यूजियम में रखने जैसी कर दी। अब डांट खाएगा। इधर आओ, डांट नहीं खाएगा, इनाम पाएगा। क्या फर्क पड़ता है कोयल कहाँ से निकल रही है? मेरे परदादा की घड़ी तो चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ और अपनी खुशी में खुश होकर अपनी खुशी से तुम्हें डिनर पर ले जाकर खुश कर दूंगा।